और जाओ। हाँ, कब आ गया। और विशेष रूप से ये हमारे विजय आदर आभार अभिनंदन जोहार सत श्री अकाल सुस्वागतम दीदी भैया नमस्ते प्रणाम सुप्रभात जय श्री राम। तो दीदी भैया कैसे हैं आप लोग? उम्मीद और आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे और कुशलतापूर्वक अपने अपने घरों में रह रहे होंगे। तो दीदी भैया, पहले तो सभी सम्मानित सदस्यों को विजयदशमी नवरात्र की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके लिए यह नवरात्र मंगलकारी, सुखमय, समृद्धि और खुशियों से भरा रहे। सुख समृद्धि, वैभव, खुशहाली बनी रहे। माता रानी हम पर सब कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियोस ब्लॉग का प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे आप लोगों के मन में प्रश्न होंगे कि इतना देर से, इतने विलंब से वीडियोस ब्लॉग का हम क्यों प्रसारण कर रहे हैं। तो उसका मूलभूत कारण भी है, वो वीडियोज़ में हम आप लोगों के साथ आगे साझा करेंगे। आखिर वीडियोज़ ब्लॉग बनाने में हमें इतना विलंब, देर क्यों होती है। और तो आप लोग वीडियोस ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। फिलहाल तो हम लोग ओल खोद रहे हैं। ओल से भी प्राय से कहीं कहीं सिराहुल भी कहते हैं, सूरन भी कहते हैं। तो ये सूरन की सब्जी बनती है। हम विजयदशमी के शुभ अवसर पर, मौके पर, ये हम सदियों से परंपरा चली आ रही है कि दशहरा में हम लोग ओल की सब्जी बनाते हैं। तो चलिए देखिए, खोद रहे हैं ये ओल हम, ये सुरन, इसको खोद लेते हैं। अब छोटा है चाहे बड़ा हो, अब जो रहेगा खा ले तो घर ही से अपना। हाँ, मार्केट में, बाजार में 50 रुपये किलो है, अब क्या कीजिएगा। छोटा है तो छोटा ही सही। प्रज्ञा बोल रही है कि छोटा निकलेगा पापा। एक तो ये निकला, यो बन जाएगा, बन जाएगा। बड़ा है, छोटा निकलेगा। तो इतना बड़ा रहता है बोल। सबल ला तो बाबू, सबल ले आ, नहीं है है सबल ले आ पापा, सबल ला। ये ऐसे नहीं कबरेगा, बिना सबल के सहायता के बगैर ही नहीं कबरेगा। देखो अब कैसे कबरेगा। कबर जाओ। हाँ, कबर गया। देखो तो इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा है का तो छोटा था, अब कितना बड़ा बोल रहता है। देखो अंततः आखिर में दीदी भैया हम लोग ओल को खोदने में सफल हो गए। और देखिए इतना बड़ा निकला है ओल सुरन। बच्चे लोग बोल रहे थे कि नहीं निकलेगा। ये रहा हमारा ओल सुरन। चलिए इसकी सब्जी बनाते हैं। देख कितना बड़ा निकल रहे बाबा। जी निकला, इतना बड़ा खोल लीजिए। हाँ, बना दीजिए इसका सब्जी। हाय हाय, डाल देते हैं अंदर। तो बस ओल की सब्जी बनेगी, और क्या कुछ बनाएगा जी। आज तो विजयदशमी भी है, चावल और ओल की सब्जी। गांव में अधिकतर लोग नवरात्र के अवसर पर ओल का ही सब्जी बनाते हैं। तो वही ओल सुरन की सब्जी बनेगी, और तो विशेष कुछ बन नहीं रहा है। और इधर थोड़ी सी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, और तबीयत भी ठीक नहीं रह रहा है। खैर कोई नहीं, तो वीडियोस के आखिर अंत तक बने रहेगा। फिलहाल तो इसको हम धो देते हैं, अच्छी तरह से साफ सुथरा कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। ना मम्मी, बफलो पत्ते देखता तड़िए से होला कचल जादे है रोटियां। आधा किलो है तो न मिला क्या है।
आप लोग पूछते हैं ना कि क्यों वीडियो इधर रोज नहीं बना पाते, नियमित रूप से नहीं बना पाते, तो उसका मूलभूत कारण है एक अलहे सुबह से देर शाम और कभी कभी तो यकीन मानिए 7:30 रात भी हो जाता है, 7:15 7:30 हो जाता है रात को। और एक सुबह में ही जो प्रातःकालीन जो निकलते हैं सब्जी मंडी, उधर से सब्जी मंडी लेंगे, सब्जियाँ लेंगे और उधर से उधर ही आस पास के गाँव में बेचने चले जाते हैं, तो फिर घर लौटने का समय मिलता नहीं है और उसी के दौरान काफ़ी विलंब हो जाती है और वीडियो ब्लॉग में निमित्त नहीं रह पाते हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ नियमित जुड़े रहें, बने रहें और आप लोगों के साथ गांव की सभ्यता, संस्कृति, ग्रामीण खान पान, कल्चर, ट्रेडिशन और अपनी रोज की दिनचर्या, ग्रामीण जीवन शैली आप लोगों के साथ साझा करते रहें, बांटते रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम स्नेह आत्मीयता पूर्वक लगाव जुड़ाव बना रहे। रोटी खाओ भाई, बस बेरो के खाल के पहले हो जाए। देखिए लड्डू को देखे हुए आप लोगों को काफ़ी समय हो गया था, दिन हो गया था। देखिए लड्डू और उसके दोनों बच्चे यहाँ सोए हुए हैं। लड्डू और ये पुष्पा और इसके दोनों बच्चे हाँ दोनों के दो दो बच्चे हैं। काफी बड़े हो गए हैं अब लगता है कि 15 दिन से ज्यादा हो ही गया है। 15-16 दिन चलो नीचे। और इतना सब जानते हैं सब कौन काटा है? ये काशी है और काटा है कौन? कौन काटा है बाबू? ये सोन नदी से सारे बच्चे इकट्ठा करके लाए हैं। रख दो रख दो, प्लास्टिक पहन के काटते जी। उबाल के बनाएंगे, उबाल के काटेगा मुंह ऐसे ना, उबालिए के बना दीजिए। कोशिश रहेगी दीदी भैया कि आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहें और अपने सुख दुख और खुशी गम और हर एक गतिविधि आप लोगों के साथ साझा करें। बस वही मुख्यतः कारण कि बस समय अभाव के कारण कभी कभार समय नहीं मिल पाता है सब्जी बेचने के दौरान। आप लोगों के साथ आत्मीयता पूर्वक अपनी खुशियाँ गम सुख दुख और जो भी है एक दूसरे से साझा करते रहें। आप हमारे खुशी और दुख में शामिल रहें और हम आपके खुशी और दुख में शामिल रहें। बस इसी का नाम तो ज़िंदगी है और इसी का नाम मित्रता है और एक घनिष्ठता है जो कि हम लोग YouTube मंच के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। एक YouTube हमारे लिए एक मोतियों के समान है और एक सूत्र में एक मोतियों की तरह एक माले की आकार में लेके एक दूसरे से गूंधे हैं, बंधे हुए हैं। तो बस अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहें, बने रहें, चाहे व्यूज़ आए अथवा ना आए, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम एक दिन के अंतराल पर या हमेशा ही वीडियोस ब्लॉग आप लोगों के साथ साझा करते रहें। सब्जी बेचने के दौरान हम आप लोगों के साथ ज़्यादा वीडियोस ब्लॉग इसलिए भी नहीं शेयर कर पाते हैं क्योंकि गांव के लोग, ग्रामीण लोग काफ़ी शर्मीले स्वभाव के होते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं, उन्हें कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं लगता है कि कोई हमारा वीडियोस बनाए और यूट्यूब में साझा करे, शेयर करे। तो बस यही है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे उनकी सहमति से, उनकी राजामंदी से कभी कभार आप लोगों को बाहरी परिदृश्य भी दिखाने का प्रयत्न रहेगा। और तो आप लोग हमें थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिए, सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी बहुत सुदृढ़ हो जाए। हमें YouTube से लाखों करोड़ों नहीं कमाने, बस इतना ही कमाना है जिससे हमारा कि रोज़मर्रा की घरेलू खर्च, शिक्षा, चिकित्सा और
खाने पीने का संसाधन पूरा हो जाए। मम्मी मम्मी काट के डाल दीजिए। तो इस तरह आप लोग बना सकते हैं, आप लोग भी चाहें तो संक्षिप्त रूप से आप लोगों के साथ रेसिपी हम लोग साझा कर देते हैं व्यंजन विधि। और इसे के काट ले ले कुत्ता बकरी के तोप दे दौरी में टोकरी टोकरी में तोप दो तोप दो उसमें काट लेगा कुत्ता अनजान कुत्ता के बाहरी के हलाई बस इसे उबाल देना है करीब 15 मिनट के लिए और उसके बाद फिर इसे आप भूंज कर बना लीजिएगा। तेल खत्म। अच्छा चलिए तो हमारा अब तो चावल बन के तैयार हो चुका है। कटा होगा वही काट लिया पास के वो भैंस को कुत्ता काट लिया है, पागल कुत्ता काट लिया है तो वही को हम लोग उसी के विषय में लोग चर्चा कर रहे हैं। इतना में हाँ हो जाएगा बनाइए। भैंस को काट लिया ना बाबू? हाँ वो पागल कुत्ता था जो कि पास में हम लोग के पड़ोसी हैं उनकी भैंस को कुत्ते ने काट लिया। तो ये हम लोग का मसाला पीसा जा चुका है। बीच में लाउड स्पीकर की साउंड आ जा रही है सो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को बाकी वीडियोस नहीं उतना अच्छी तरह से हम दिखा पा रहे हैं बता पा रहे हैं इस व्यंजन विधि की, क्योंकि बहुत तेज लाउड स्पीकर बज रहा है और पूजा का अवसर है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में उत्साह है, खुशी का माहौल है तो बजना भी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए वही अब हमारा जो है उबाला जा चुका है। उबल गया होगा ना जी? उबल गया है पूरी तरह से उबल चुका है, अब भुजा गया जी। इस तरह आप लोग टुकड़े में काट के इसे अच्छी तरह से भूज लीजिएगा और तल लीजिएगा। और इसे फ़ायदा यह होता है कि क्या फ़ायदा होता है? काटता नहीं है, थोड़ा कम काटता है। हाँ इसका जो मुंह में काटता जो इचिंग होता है खुजली ऐसा वो नहीं होगा, खुजली बिल्कुल नहीं करेगा। कड़ा हो गया ना? तो मसालों की बात की जाए तो ये वही मसाले साधारण तो इसमें मिलाए जाएंगे जो कि आमतौर पर सब्जी में डाले जाते हैं, बस केवल एक गरम मसाला और आप चाहें तो गरम मसाला और यही डाल सकते हैं, बाकी जो सब्जी में जो डाला जाता है जीरा मिर्च काली मिर्च धनिया अदरक नहीं जी और कम मसाला पड़ता है, कम मसाला पड़ता है, सब मसाला पड़ता है, सरसों छोड़ के। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ इस तरह से बना लिया, किसी दिन और विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताएंगे इसकी व्यंजन विधि, फिलहाल तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से मसाला बन गया ना जी? हाँ निकाल दीजिए, खाना खा ले हम भी, काफी भूख लगा है जोरों की। निकाल दीजिए दाल, दालो बन गया? दाल बन गया। चलिए सब बन गया तो खा लेते हैं, एक ऊपर ये दे देते हैं। तो ठीक है दीदी भैया, इसी के साथ आज का वीडियो ब्लॉग का हम समापन करते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं शुरू से लेकर आखिर अंत तक आपने जरूर देखा होगा और देखकर अच्छा लगा होगा। और दीदी भैया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। तो लेते हैं विदा इसी के साथ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, शुभ रात्रि शुभकामना और छोड़े नवरात्रि की बहुत बहुत सभी दीदी भैया को पुनः शुभकामनाएं बधाइयां, आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव खुशहाली बने रहे, माता रानी करे कि आप लोग स्वस्थ रहें कुशल रहें। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से शुभकामनाओं के साथ लेते हैं विदा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दीदी भैया नमस्ते प्रणाम। तो देखने से काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बना है, काफ़ी स्वादिष्ट लजीज प्रतीत हो रहा है, भीनी भीनी इसकी सुगंध हमें अच्छी लग रही है और